गोवर्धन गांव गाठोली की 5 महिलाओं ने मुश्किलों को दरकिनार कर एक नई इमारत खड़ी करी। खुद के उद्यम के साथ औरों को सहारा दे रही हैं। नरेंद्र मुखिया और हेमंत शर्मा के निर्देशन में स्त्री स्वाभिमान के माध्यम से गाठोली गांव की 5 महिलाओं ने हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति से न केवल खुद अपना मुकाम बनाया बल्कि दूसरों की उड़ान के लिए जज्बा दिया है। उपलब्धियां संख्या में अधिक ना हो लेकिन बड़े बदलाव की धुरी बनी है। मोना, इंदु शर्मा, ब्रजलता, कुसमा और मधु ने सैनिटरी पैड बनाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हर चुनौती में कुंदन सी चमकी नारी शक्ति के हौसले को समाज सेवी सुनील भारद्वाज, समाज सेवी गौतम खंडेलवाल, राजश्री खंडेलवाल, पायल उपाध्याय, सिका भारद्वाज ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गांठौली में दर्जनों महिलाओं और स्कूली छात्राओं का पटका पहनाकर स्वागत किया और महिलाओं को साड़ी और छात्राओं को सैनिटरी पैड व जरूरी सामान देकर सम्मान कर हौसला बढ़ाया है। समाज सेवी सुनील भारद्वाज ने बताया कि नारी शक्ति है, सशक्त है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही ये रचा विधान है। यह कथन आज की नारी पर बिल्कुल सटीक है। आज के दौर की महिलाएं घर में रखी केवल गुड़िया ही नहीं जिसे परिवार के मुखिया अपने अनुसार चलाएं। आज की नारी आत्मनिर्भर है, संबल है और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रही है। इनके हौसले और दृढ़ इच्छा शक्ति को सम्मान करते हैं और बुलंदियों तक पहुँचने में सहयोग किया जाएगा। वहीं समाज सेवी गौतम खंडेलवाल ने बताया कि महिलाएं और बेटियां किसी से कम नहीं हैं। यह साबित करने के लिए महिलाओं और बेटियों ने समाज में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई मुकाम हासिल किए। शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, कृषि, उद्यम समेत विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं और बेटियों ने देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया। इस अवसर पर समाज सेवी सुनील भारद्वाज, समाज सेवी गौतम खंडेलवाल, राजश्री खंडेलवाल, पायल उपाध्याय, सिका भारद्वाज, नटवर लाल मुखिया, हेमंत शर्मा, कांता प्रसाद शर्मा, नरेश शर्मा, शेखर मुखिया आदि उपस्थित रहे। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। यार हम नीचे आ जाते हैं ऐसे लोग। ये क्या नाम है आपका और आज यहाँ आपने स्वागत किया है, क्या विशेष है महिलाओं के लिए जो आपने इनको सम्मानित किया है? पहले तो मैं समस्त ग्राम जितने भी यहाँ पर गांव वाले हैं गाठोली गांव की सभी महिलाओं को विश्व महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर विशेष ये है, जो प्रतिभा बहुत सालों से छुपी हुई थी शायद हमें पता नहीं लग पाया, लेकिन हम यहाँ पर आए हमें पता चला इस चीज़ का। क्या हुआ था कि बहुत सालों से हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी महिला सशक्तिकरण के लिए लगे हुए हैं। जब से हमारी भाजपा की सरकार आई है तब से महिला सशक्तिकरण को देखा जा रहा है। मोदी जी इसके लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। उसका एक कार्य इस गांव गांठोली में ये CSC का एक जगह है, केंद्र है, जो मोदी जी द्वारा बनाया गया है, जहां पर हमारे नरेंद्र मुखिया जी इनके निर्देशन में ये कार्य चल रहा है। ये 5 महिलाएं यहां पर हैं जो एक सैनिटरी पैड्स को बना रही हैं और इस सैनिटरी पैड्स को बनाकर ये बाजार में एक अपना छोटे से रोजगार को चला रहे हैं और लोगों के बीच में एक संदेश भी दे रहे हैं कि महिलाएँ जो है आज सशक्त हो सकती हैं, महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं जब चांद पे जा सकती हैं तो यहाँ पे जमीन पे बैठ के भी काम भी कर सकती हैं, ग्राउंड पे बैठ के भी काम भी कर सकती हैं। और आज महिला दिवस पर हम इन सब महिलाओं को सम्मान देने आए थे, उनको सम्मान करने के लिए यहाँ पर आए। कितनी महिलाएं हैं जिनको आपने सम्मानित किया है? यहाँ पर जो इस कार्य को कर रही है 5 महिलाएं हैं जिनको हमने सम्मान दिया है। देखिए हम तो सम्मान देने वाले क्या हैं, जो हमसे बल पड़ा हमने किया, जो ये कार्य कर रहे हैं बहुत बड़ा कार्य है और इस कार्य को हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री तक ये बात जाए, इस कार्य को एक बड़ा रूप मिले और इन महिलाओं को बड़े स्तर पे एक सम्मान मिले। क्या नाम है आपका और यहाँ की जो आत्मनिर्भर जो लेडियों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, पैड जो बनाए हैं, किस आपसे अपने निजी पैसे से बनाया जा रहा है या फिर सत्ता से या किसी के सहयोग से बनाया जा रहे हैं? मेरा नाम नरेंद्र मुखिया है, मैं गाठोली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे जो हम सैनिटाइजिंग पैड जो बना रहे हैं वो हम अपने ही पैसों से बना रहे हैं, लेकिन प्रेरणा सरकार की रही है इसमें
और हमारे जो साथ में सुनील भाई साहब हैं, सुनील उपाध्याय, सुनील जी, इनका पूर्ण सहयोग हमारे लिए मिलता रहता है। गौतम जी का भी सहयोग हमें मिलता रहता है और जो मोदी जी की प्रेरणा है उससे हमने करीब यहाँ पर 20 से 25 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है और हमारी यूनिट एक दिन में करीब 1000 के करीब पेड़ बना करके सेल कर देती है। कहाँ कहाँ सेल किया जा रहा है? सेल गांव में चलती है, गांव के अलावा जो और पास के जो गांव हैं वहाँ भी हमारी सेल जाती है और उनके लिए देते हैं, जो गांव गोवर्धन में, जतिपुरा में या कहीं जैसे सूप हैं, दुकान है, उनको भी हम अपनी। ये कार्य कब से चल रहा है और क्या रेस्पॉन्स मिला है अभी तक? ये कार्य हमारा करीब 8 महीने से ज्यादा हमें हो गया है इस कार्य को करते करते और इस कार्य को हम कर रहे हैं। कुछ दिन लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हो गया था लेकिन अभी ठीक ठाक चल रहा है। अब हमें उम्मीद जगी है, सुनील जी आए हैं हमारे पास में, उन्होंने कहा है कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और तो इसको ले जा करके मतलब बुलंदियों पे ले जाने की उन्होंने वादा किया है। आज महिला सशक्तिकरण का दिन है तो हमसे परसों भाई साहब की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग करेंगे। आज उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पर ये जो महिलाओं का यहाँ स्वागत हुआ है और आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ उत्साहवर्धन है महिलाओं के लिए।